कई राज्यों में हो रही लगातार बारिश एवं छोड़े जा रहे पानी से प्रयागराज में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा यमुना के जलस्तर में सोमवार को भी वृद्धि जारी रही। बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोगों ने पलायन की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को जिला प्रशासन की सूचना के मुताबिक 4 घंटे में गंगा का फाफामऊ में जलस्तर 1 सेंटीमीटर और छतनाग में जलस्तर 4 सेंटीमीटर बढ़ा, जबकि नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 11 सेंटीमीटर बढ़ा है। 4 बजे तक गंगा का फाफामऊ में जलस्तर 78.35 मीटर, छतनाग में जलस्तर 75.17 मीटर तथा नैनी में यमुना का जलस्तर 75.67 मीटर रिकॉर्ड किया गया। दोनों नदियों का डेंजर लेवल 84.734 मीटर है। जिला प्रशासन ने बताया है कि बाढ़ कंट्रोल रूम से बढ़ते जलस्तर पर पूरी नजर रखी जा रही है। बगैर लाइफ जैकेट नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। स्नान घाटों पर गोताखोर तैनात किए गए हैं। वहीं सिंचाई विभाग बाढ़ प्रखंड के अधिकारियों का कहना है कि अभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी रहेगी। बता दें कि माता टीला, हथिनी कुंड और कानपुर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो 5-6 दिन में यहां आ पहुंचेगा। इसके बाद दोनों नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होगी। अभी गंगा खतरे के निशान 84.734 मीटर से लगभग 6 मीटर नीचे बह रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर में लगातार बारिश होने से बेतवा नदी में, दिल्ली में वर्षा से यमुना में और पहाड़ी क्षेत्रों में रही बारिश से गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है।